तिथुं धुम्मसिकंतारुं शिशिपुणतिथिरे सुवसिद्धि विशुद्धिसुभावे समृणानि धनसन चरतो विर्यायारी तिथि सुवे संगुं शंगुपतिगिमिव पतिगं वंदामी वटन्ते अर्यंते माडुसे किते किच्चारुं सिद्धानं तेड मुगडी राडं अजावी वगाडं साउडं चेवशो वैसिं तीसिं सुधिरंसे नाडी पाणं समं समासिज उषं पियामि सम्मं जत्तोड़ भाड़ संपत्ति श्रुव्यापी चिद्रूप श्रुपाए प्रात्मने शुप्लब्धि प्रसिद्धाए ज्ञानानंदात्मने नमः हेनो लुप्ति महामोहस तमस्मोपुंज यदि यदहा प्रकाश्यं जगत्तत्वं मनीकांत्म्यम् नमः पुरुम चैतन्य स्वात्म सुख संपुदे परिमागम साराय सिद्धाये परमेश्वरे उडमूरियंताडम नमो सिद्धाडम नमो आयिर्याडम नमो अध्यायाडम नमो लोय सुविसावुडम पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर महाराज की समय विश्व धर्म की भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज प्रवचन सारजी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा की सहज रूप का व्याख्यान कर रहे हैं। ध्रुव की ध्रुवता को जानने की योग्यता
जगत की उन प्राणियों में नहीं है जो कर्म फल चेतना को भोग रहे हैं। ध्रुव की ध्रुविता को जानने की तत्काल सामर्थ्य उन जीवों में नहीं है जो मित्र असंगी वन के कर्म चेतना को भोग रहे हैं। तत्व को जानने की उनकी भी योग्यता नहीं है जो संगी होकर के भी मिथ्यात के तम से दूसरे जिनका चित्त है। प्रमाण से युक्त जिनकी दृष्टि है, कषाय से पूर्त अंतःकरण है, वे तत्व ज्ञान को क्या समझे। जिसने तत्व को एक क्षण भी समझ लिया है, हे मित्र, उस जीव के आनंद को वही जानता है या उसके चित्त के अनुभूति को मनः प्रे ज्ञाने जानते हैं, केवल भगवंत जानते हैं। वस्तु ध्रुव्यार्थिक नय से देखो, वस्तु को ध्रुव नय से देखो। प्रश्न किया था यहां आत्मा कौन है, कैसे प्राप्त करें। अनंत धर्मात्मक आत्मा है, उसको प्राप्त कैसे करें इसकी व्याख्या आगे करेंगे। वो है कैसी इसको बता रहे हैं। ध्रुव्यार्थिक नय ध्रुव नय ज्ञानियों ध्यान दो। ध्रुव्यार्थिक नय संपूर्ण भेदों को गौण करके अभेद वस्तु को ग्रहण करता है, उसका नाम ध्रुव्यार्थिक नय है। ध्रुव नय 47 नयों में पहला नय है ध्रुव नय। आज जो प्रारंभ हो रहा है 47 नयों में पहला नय है ध्रुव नय। वस्तु में भेद करके एक धर्म को जो कह रहा है उसका नाम ध्रुव नय। ध्रुव्यार्थक नय से आत्मा त्रिकालिक शब्द है। ध्रुव नय से आत्मा एक है। ध्रुव्यार्थक नय से आत्मा त्रिकालिक शब्द है। ध्रुव नय से वस्तु एक है, आत्मा एक है। सामान्य विशेष की व्याख्या को लेकर के सामान्य को ग्रहण करे वो ध्रुव नय है। विशेष को गौण करे, सामान्य को प्रधान करे वो ध्रुव नय है। विशेषों का अभाव नहीं है, सामान्य की व्याख्या है। जब भी नई व्याख्यान करता है किसी धर्म का नाश नहीं करता, सो धर्म की व्याख्या करता है। और इस बात को छोटा सा बालक भी जानता है। नन्ना से बच्चे से ही पूछना वो भी बता देगा। है जीव, बेटा खड़े होना, यहां तुम्हारा कोई है क्या? कोई भी नहीं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बेटा संसार में ही अपना कोई नहीं है। ठीक, बालक बेटा खड़े होना, यहां पर आपका कोई है? कौन है? हाँ? माँ है। ठीक, रुको रुको, एक तो खड़े रहो। ये इन सबको समझाना है, फिर हम आगे का व्यास विषय बोलते हैं। ये नन्हा सा बच्चा है, बेटा यहाँ पर तुम्हारा कौन है? माँ। अच्छा,
वो आपकी माई है ना, आपकी माई है ना, बच्चा क्या बोल रहा है, अपने पिता की पत्नी को मात्र माँ कह रहा है, बाकी कौन है बेटा। यहां आपकी माई है ना, अपने मामा की बहन को मात्र माँ कह रहा है। बेटा यहां माँ है ना तेरी, हाँ, ओहो, अपने चाचा की भाभी को मात्र माँ कह रहा है। ओह बेटा यहां माई है ना, ओहो, तू चिंता मत कर, अपने नाना की लड़की को मात्र माँ कह रहा है। भैया आपकी माँ इधर देख, आपकी माँ किसी की बेटी है कि नहीं, भा है ना, किसकी बेटी है, नानी की बेटी है। ओ आप कैसे कह सकते कि जगत के लोग तत्व को नहीं जानते, तत्व की प्ररूपणा करने के लिए वचन बल चाहिए, वीर अंतराग्रम का क्षेत्र चाहिए, धैर्य चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए, परंतु तत्व को तो प्रमाण से सब समझते हैं। ये बालक कह रहा है मात्र या मेरी माँ है, पर उसे ये सब पता है कि मेरी माँ अनेक रूप है, फिर भी वो मात्र क्या बोल रहा है, मेरी माँ। ऐसे ही पदार्थ अनंत धर्मों से युक्त है, और अनंत धर्मों को गुण करके एक धर्म को जो कहता है उसका नाम न है, और वो न है जो न है वो यूं कह रहा है, श्रुत ज्ञान को विकल्प में हूं। पंडित साहब न श्रुत ज्ञान का विकल्प है, श्रुत विकल्प वा नया, श्रुत का विकल्प जो है उसका नाम मैं है। पदार्थ अनंत धर्मात्मक है, अनंत धर्मात्मक पदार्थ को कहने के सामर्थ्य श्रुत ज्ञान में है, पर वो श्रुत ज्ञान तभी कह पाएगा जब न अनंत न्यात्मक होगा। जो बालक कह रहा था मेरी माँ है, उस बालक को भी श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही बोल रहा था। धीरे धीरे आपको नए की गूढ़ता में जाना है, जो प्रमाण नहीं है, अप्रमाण नहीं है, साम्य सागर, जो प्रमाण नहीं है, अप्रमाण नहीं है, प्रमाण का अंश है, उसका नाम न है। ज्ञाता के अभिप्राय को न कहते हैं, ज्ञातृ अभिप्रायो वा नया, जितने प्रकार के अभिप्राय हैं आपके उतने प्रकार का न है। इसलिए पंडित साहब आनंद में जीवन जीना है, लिखित नयों को जानते हुए भी अलिखित नयों को भी जानना चाहिए। पंडित जी जय कुमार जी तो आए थे ना, हे जीव लिखित नयों को, लिखित नयों को लिखे हुए नए बहुत कम है, यहां पर 47 ही नए हैं। प्रभुचंद सार जी प्रशिष्ट में मुख्य द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय के दो भेद हैं, उमास्वामी की दृष्टि में 7 नय हैं, इनके प्रभेद की दृष्टि में पर्यार्थिक के यानी 6 भेद हैं, द्रव्यार्थिक के 10 भेद हैं, व्यवहार नय भी एक प्रकार का नहीं है,
सद्भूत व्यवहार फिर उपचरित अनुपचरित सद्भूत और सद्भूत फिर सुजाति उपचरित विजाति उपचरित सुजाति विजाति उपचरित ये सारे नयों के प्रभेद हैं। इन प्रभेदों के लिखे होने पर भी अलखित नय कितने हैं समझो। सुधीर भैया आनंद का जीवन जीना है, नय लगा के शांति से बैठ जाओ। मैं आपको समझा रहा हूं भाई भाई, ये बच्चा है, आप कह रहे मेरा भतीजा है, ठीक है, क्या विकल्प है? पर मैं इसको बच्चा बोल रहा हूं, कोई गलत नहीं बोल रहा हूं। कसाई से पूरे चित्त जिनका है बे इसे शत्रु का बच्चा कहेंगे। धर्म से पूरे चित्त जिसका है बे इस बालक को धर्मात्मा का बेटा कहेंगे। राग से पूरित दृष्टि है जिसकी वे इसे अपने भाई का बेटा कहेंगे। सहज स्वभाव में निमग्न योगेश्वर उनसे पूछेंगे स्वामी आपका क्या विचार है, वे कहेंगे एक जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य है। जितने लोग बोल रहे हैं ये सभी सत्य बोल रहे हैं। कसाई के वचन को मैं सत्य कह रहा हूं क्योंकि उसकी आंख में वही झलक रहा है। श्वेत दूध भी पीला दिखता है, श्वेत दुग्ध भी पीला दिखता है, वो भी असत्य नहीं है, वो भी असत्य नहीं है। श्वेत दूध उन्हें दिखता है जिनके नेत्रों में पीलिया रोग नहीं है, जिनके नेत्रों में पीलिया रोग है उनकी दृष्टि से देखो तो उनको दूध पीला दिखता है। हे पुरुष आगम सुशाम्यता के लिए है, जगत की आंख को साफ करने के लिए नहीं है। स्थिर हो जाओ तब समझ में आएगा, पूर्ण स्थिर हो जाओ। अब समझाने का विषय नहीं है, नए समझने का विषय है। सिद्धांतों में नए, आगमों में नए, न्याय में नए, अध्यात्म में नए, दर्शन में नए, आपकी दिनचर्या में नए, दिनचर्या में नए। मुझे नहीं करना भी संवाद किसी से जिसको दूध पीला दिख रहा है। आप अच्छे से देख लो, दूध पीला नहीं है, बस शांत हो जाओ। आपको द्वैत का ज्ञान होना चाहिए है पंडित साहब जय कुमार जी, आपको द्वैत का ज्ञान होना चाहिए है। यदि श्वेत दूध किसी के बेटे को पीला दिख रहा है तो बेटे को डांटो मत, आपको ज्ञान हो गया। वो यूं कह रहा था पिताजी दूध पीला रखा है, दूध पीला रखा है, आपको दो का ज्ञान कर लीजिए, पात्र में दूध है और बेटे को पी लिया है।
कैसे हम जाने इस विषय को, द्वि चंद्र ज्ञान बत लगी स्त्री से बोल रहा हूं आपको, द्वि चंद्र ज्ञान बत। ये द्वि चंद्र ज्ञान क्या होता है पता आप लोगों को? सुरेश भैया द्वि चंद्र ज्ञान बत। एक पुरुष जुड़े तलैया का दीनानाथ कमरे में बैठा था, वो कमरे में बैठा था वो अशोक धानी जी हेलोजन जल रहा था, कोई खिड़की नहीं थी, उसमें प्रकाश का कोई साधन नहीं था, इसलिए वो हेलोजन जल हुए था और अपने काम में लगा हुआ था। दीनानाथ के आंगन में एक पुरुष कहता है, दो चंद्र का उदय हो गया। दीनानाथ यदि पागल है तो कमरे के बाहर आएगा, उस आदमी से लड़ाई करेगा। दो चांद कहां है, एक चांद है। समझदार है तो जान लेगा कि दो चंद्र ये बोल रहा है ये सत्य है कि असत्य है। बोलिए आप लोग, दो चंद्र, एक पुरुष कह रहा है दो चंद्र उदित हो चुके हैं तो सत्य बोल रहा है कि असत्य बोल रहा है? मान लिए क्या आप लोग? क्या बोले बेटा, एक दिन में दो चांद होते क्या? फिर तू सत्य कैसे बोल रहा है? अब बोलो बेटा, सत्य कि असत्य? हे मित्र, ज्ञानी जीव, समझदार पुरुष उस माँ के तुल्य होता है जो घर को कैसे चलाती है। पागल माँ मटर के छिलके फेंक देती है गली में, समझदार माँ मटर के छिलके का भी छिलका निकाल कर साग बना लेती है। मटर के दाने का भी साग बनाती है और मटर के छिलके के ऊपर का छिलका बाहर करके भी, सत्य है। मटर के छिलके के ऊपर से भी छिलके का साग बना लेती माँ। महाराष्ट्र में जाओ तो हर वस्तु की चटनी मिलेगी आपको, मटर के छिलके की भी चटनी मिलेगी, लौकी के छिलके भी की चटनी मिलेगी, तुरैया के गिलकी के छिलके भी की चटनी मिलेगी। वो व्यर्थ नहीं फेंकते, द्वि चंद्र ज्ञान। तो द्वि चंद्र ज्ञान कैसे हो रहा है? दीना भाई सोचता है अब मुझे बाहर नहीं जाना, भोजन भी नहीं करना। बोले क्यों? ये भाई सत्य बोल रहा है, असत्य नहीं बोल रहा है। द्वि चंद्र उदित हुए, चंद्र तो एक ही उदित हुआ होगा, पर मुझे द्वित्व का बोध हो गया कि ये तो इसकी उम्र के 6 महीने अवशेष बचे हुए हैं, अल्प दिन जीवन के बचे हुए हैं। इसलिए जिसको आंख से ऊपर आकाश में दो चंद्रमा दिखने लग गए एक साथ, समझ ले कि अब समाधि ले लेना चाहिए, या फिर इसकी दृष्टि में दोष है। परंतु दो चंद्र दिखे हुए हैं, एक चंद्र के हुए बिना दो चंद्र दिख नहीं सकते। एक चंद्र के उदय हुए बिना दो चंद्र दिख नहीं सकते हैं,
ठूठ में पुरुष दिख रहा है, ठूठ में पुरुष दिख रहा है, तो जिसको ठूठ का पुरुष का दोनों का ज्ञान होगा वही ठूठ में पुरुष को संचित हो सकता है। शमशान में डर उन्हें लगता है जो शमशान को जान चुके हैं। जिन्हें शमशान का ज्ञान नहीं है यहां पर मरगट है कि नहीं, वे वहां पर बैठ के खीर खाते हैं। यही दो चंद्र ज्ञान कह रहा है कि जैसे चंद्रमा दो दिखने पर एक का बोध हो गया ना, इसी प्रकार से जहां मिथ्या दृष्टि जीव एकांत निरूप रूपणा करता है वह सम्यक दृष्टि जीव अनुलोम विलोम को जानते हैं। और ये 47 नियमों में जोड़े के रूप में नए हैं, अनुलोम विलोम नए हैं, नित्य नए अनित्य नए, नियत नए अनियत नए, ये विलोम नए हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं, दिन रात स्त्री पुरुष, ये पढ़े ना आप लोगों ने, ये सब क्या है? अनुलोम विलोम। तो जो वस्तु जो है अनंतरात्मक कृषि है, तो नहीं कह रहा है जाबदियम बेबादम, जाबदियम बेबादम ताबदियम नय बाधम। सिद्ध सेन गणी सन्मति सूत्र ग्रंथ में लिख रहे हैं, और इस गाथा को आचार्य वीर सेन स्वामी ने धवला जी ग्रंथ में उद्धृत किया है। जावदियम बेवादम तावदियम नैवादम, उस समझदार पुरुष को तो झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा अशोक भैया ऐसा जीना चाहिए, बोलिए नहीं मैं तुझे सजीता ऐसे जीऊंगा, मैं कोई परेशान होना पसंद नहीं करता हूं, ये तुम्हारी दृष्टि का विषय है। परंतु अस्मीन रूप से जी रहे हो, अस्मचीन रूप से जी रहे हो, तो कुनै दृष्टि है, कुनै दृष्टि है, और समचीन रूप से जी रहे हो तो सुनै दृष्टि है। एकांत चित्त तुम्हारा दूषितता से युक्त तो आप हो तो मित्र सकलंक नय दृष्टि है। सकलंक नया मिथ्या, जो सकलंक नहीं होता है वो सब मिथ्या होता है, सकलंक नय है। इसलिए सभी की दृष्टियां सम्यक हैं ऐसा नियत नहीं है, सभी दृष्टियां मिथ्या हैं ऐसा भी नियत नहीं है। दो चंद्र ज्ञान में हमने जान लिया है कि चंद्रमा का उदय हुआ है इसलिए इसको दो दिख रहे हैं, इसमें सत्य भी है इसमें असत्य भी है। दो चंद्र कह रहा है इसलिए असत्य है, पर चंद्रमा अवश्य हुआ है ये सत्य है। ज्ञानी जीव असत्य में से भी निकाल लेता है सत्य है। समझ में आ रहा ना, असत्य में से भी सत्य को ही मात ग्रहण करता है। मध्यस्थता के लिए ये सूत्र प्रारंभ हो जाता है, उसकी दृष्टि का विषय है, उसकी दृष्टि का विषय है, उसकी दृष्टि का विषय। इसका मतलब वस्तु का विषय हो ये नियत नहीं है। उसकी दृष्टि का विषय पंडित साहब पकड़ रहे ना, उसकी दृष्टि का विषय है। नीम तो कड़वा होता है नीम तो, लेकिन सांप डसे आदमी को मीठा लगता है।
जिसको सर्प ने डस लिया ना, वो उसको मीठा लगता, नीम कड़वा नीम भी मीठा लगता है। ये सत्य है, ये सत्य है। फंस रहे हो आप, संभल के बोलना। दानी जी से कह रहा हूं, फंस रहे हैं आप, संभल के बोलना। जिसको सर्प ने डस लिया है उसको अशोक दाने जी नीम कड़वा मीठा लगता है, ये सत्य है। देखो प्रवचन में कर रहा हूं, आप तो अभी सुनो, आप तो जितना पूछो उतना उत्तर दो। वो कहां है सागर, अनिल सागर? नीम कड़वा होता है सुधीर भैया, और काले नाग ने जिस पर उसको डस लिया हो उसको नीम मीठा लगता है, तो नीम मीठा है ये सत्य है। नीम मीठा है सत्य है, बहुत संभल के बोला, नीम मीठा सत्य है, नीम मीठा सत्य है। अरे नांग डसे को नहीं लगता मीठा क्या? जिसने जिसको कालिया नांग ने डस लिया है उसको मीठा नीम लगता है कि नहीं? तो क्या नीम मीठा हो गया क्या? अहो मुमुक्षु, जैसे नीम कड़वा था, कड़वा है, कड़वा रहेगा, फिर भी नांग डसे आदमी को मीठा लगता है। ऐसी विषय कसाय कड़वे हैं, कड़वे थे, कड़वे रहेंगे, पर रागियों को सब मीठे लगते हैं, और नांग डसे आदमियों। ताली बजा रहे बेचारे, इसलिए इसलिए कुने शब्द का भी प्रयोग करना सीख लेना, सकलंक नहीं का भी प्रयोग करना सीख लेना, मिथ्या नहीं का भी प्रयोग करना सीख लेना। क्यों? मैंने भी आपको समझाया है, हर व्यक्ति की दृष्टि का नाम न है, अपनी दृष्टि से देख रहा है, नए अवश्य है, पर उसमें कुशु का प्रयोग करना सीखना पड़ेगा। अब मैं यूं कहूंगा कि पंडित साहब जय कुमार जी नायक जी को अपने सासू की बेटी बहुत प्रिय लगती है, और यूं कहता महाराज जी मुझे नहीं मालूम वो सची कैसी होगी, तिलोत्तमा कैसी होगी, उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे तो अपनी बेटे की मां अत्यंत प्रेसी लगती है। हे मित्र, ऐसा राम भी कहते थे, संभल के सुनना, ऐसा श्री राम भी कहते थे, नहीं कहते होते तो सीता को जंगल से नहीं रावण के यहां से लेके क्यों आते, इतना श्रम करके, और पत्ते पत्ते से पूछा, पाषाण पाषाण से पूछा, विवल हो गए श्री राम जब उनको सीता का कितना कितना शोक का क्लेश था। रावण से युद्ध भी किया है, समुद्र पार करके भी पहुंचे हैं। हे मित्र, क्या श्री राम को जानकी अच्छी नहीं लगती थी? पर मेरे श्री राम से प्रश्न है, हे राम, वही तो जानकी का जीव, जब आप मुनिराज बन के खड़े थे, जंगल में ध्यानस्थ थे, तो वही सीता का जीव प्रतीन्द्र पुनः सीता का रूप बना के आया था, और आपसे कहता, हे सौमी, चलो मेलों में चलते हैं, मेरी मेरी मुग्ध बुद्धि को धिक्कार हो, मैंने आपकी बात को स्वीकार नहीं किया, अब चलो आप ये क्यों कृष्ण प्राप्त कर रहे हो, मेरे साथ भोग भोगना, आनंद के साथ रहेंगे, अयोध्या में रणवास में इंद्र सुख का भोग करेंगे। तो राम ने आंख क्यों नहीं खोली? तो श्री राम ने नेत्र ऊपर उठा के, एक पलक उठा के क्यों नहीं देखा? पहले सीता उनको मेरी थी, विधि ही पर दृष्टि थी,
तब तक विधि पर दृष्टि नहीं थी। अब निर्विधि पर दृष्टि गई तो विधि से दृष्टि हट गई। इसलिए जो आप लोग देख रहे हो राग दृष्टि से देखोगे तब तुम्हारा नए तुमको समीचीन दिखता है, वही वितराग दृष्टि से तुम्हारा दृष्टि विपरीत होती है। नहीं समझ में आ रहा है? इसलिए पंडित जी नीम मीठा लगता है सर्प डसे वाले जीव को, हे मित्र घर की गली गली खुटियां 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 ही नहीं घर का बुंदेलखंडी में सुदनुदन शास्त्र जी जहाँ आप स्नान करते हो लोग संघ का जाते हो वो क्या कहलाता है? हिंदी में बोलो, पंडित जी बुंदेलखंडी में बोलो, सपन्ना मपन्ना छोड़ो आप तो सीधा बोलो नर्दा। ओ हो नर्दा 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 ओ हो जिस नर्दे में लहूसन का बह रही हो, जिस लंके मन मन गनी नर्दे में तुम्हारे घर के पता नहीं कैसे गंदे गंदे वस्त्रों का धुलने का पानी बह रहा हो, परंतु फिर भी अशोक धानी जैसा जीव पंडित सुबह जाकर उस नर्दे को भी साफ करता है। और कोई पूछे सुरेश संजीव पंडित जी आ गए, पंडित साहब क्या कर रहे हो? बोले अपना नर्दा ठीक करो। अपना नर्दा साफ कर रहा हूं, क्या बोल रहा है? अपना नर्दा साफ कर रहा हूं। ओहो वहां पर भी तेरा अपना शब्द जुड़ा हुआ है। अपने घर का नर्दा साफ नाली साफ कर रहा हूं, नर्दा नहीं नाली, नाली साफ करूं, घर की नाली साफ कर रहा। एवं भूत नहीं कहेगा अहो अहो जमादार, एवं भूत नहीं कहेगा अहो अहो जमादार। राग की नाली साफ हो गई होती तो घर की नाली साफ ना करना पड़ती। एवं भूत नहीं कहेगा अहो जमादार, राग की नाली तेरी स्वच्छ हो गई होती तो मेरे मित्र किसी मूत्राशय की नाली को साफ नहीं करना पड़ता। हे मित्र विषय कषाय की नाली साफ हो गई होती तो किसी नाली में तेरा चित्त ना जाता, किसी नारी में चित्त तेरा नहीं जाता। इसलिए जिसे तू अच्छा कह रहा है वो तो कुने दृष्टि है, सुने कहता वस्तु स्वभाव को देखो। सैतालीस न है ये घड़ी सही चल रही क्या? हो मित्र घड़ी सही चल रही कि नहीं चल रही है? ये घड़ी सही चल रही कि नहीं चल रही है? समझ ज्ञानी अपनी धुरी पर सही चल रही है। ये चल रहा वो कौन सा कांटा है? सेकंड का कांटा सही चल रहा है, वो घंटे मिनट के बिगड़े तो उसका दोष है, उसका क्या दोष है? सेकंड का कांटा सही चल रहा है ना, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा, सेकंड का कांटा चलने पर भी मिनट और घंटे कांटे नहीं खिसक रहे हैं तो मेरे मित्र उस सेकंड के कांटे की कोई कीमत नहीं हो रही है। ऐसे ही मित्र तुम कितने स्वच्छ घोड़े बने बैठे हो पंडित साहब, तुम्हारे मिनट सेकंड के कांटे कितने स्वच्छ हो, परंतु भावों की विशुद्धि नहीं है तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। सुधीर ताली क्यों बजवाते आप? अभी तो प्रारंभ हुआ ये।
इसमें विकल्प की जरूरत नहीं है, आप नए पढ़ रहे हो, प्रमाण में जो आया होगा वही होगा। नए से कह रहे हो आप, अंश अंश को जान रहे हो, सकल प्रत्यक्ष प्रमाण में जो आया है उसे टालने की योग्यता किसी के अंदर नहीं है। सकल प्रत्यक्ष प्रमाण में जो आया है, नायक जी से पूछो, पंडित साहब सकल प्रत्यक्ष प्रमाण में जो आया है उसे बदलने की क्षमता किसमें है? सकल प्रत्यक्ष प्रमाण में जो पर्याय झलक रही हैं, वे पर्याय अपने आत्म ज्ञानी नियत हैं। सकल प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण में जो पर्याय आ रहे हैं वे नियत हैं, पर तुम्हारा ज्ञान नियत नहीं है, अनियत है, इसलिए आप नहीं जान सकते हो, आपको पुरुषार्थ ही करना पड़ेगा। कुछ भी समझ में नहीं आया ना? दो प्रकार का ज्ञान है, एक क्रमभावी ज्ञान है, एक अक्रमभावी ज्ञान है। दो प्रकार का ज्ञान है, क्रमभावी ज्ञान और अक्रमभावी ज्ञान। श्रुत ज्ञान, शाब्द ज्ञान एक क्रमभावी ज्ञान है, केवल ज्ञान अक्रमभावी ज्ञान है। प्रमाण सुनिए आप, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं आत्मीमांसा पढ़ो। तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते युपत्सरोधासनम क्रमभावी यद्ज्ञानम स्याद्बात नये संस्कृतम। तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते, वे तत्व ज्ञान प्रमाण है युगपत सर्वभाषणम। युगपत सर्वभाषणम, भगवान सर्व को संपूर्ण द्रिगुण पर्याय युगपत भाषित हो रही है, लेकिन क्रम भावी यज ज्ञानम जो हमारा ज्ञान है वो क्रम भावी ज्ञान है, स्याद्भात नये संस्कृतम, जो कि स्याद्भात नये से संस्कृत है। इसलिए श्राव को मुनियों केवली के ज्ञान के नाम पर आप नहीं बैठना, आपको तो क्रमभावी ज्ञान के अनुसार प्रणत होना पड़ेगा। वो केवली युगपत जाननहारा है, उन्होंने आपको दैव को देखा है तो पुरुषार्थ को भी देखा है। पंडित साहब इसको भूल जाते हैं, मुमुक्षु अशोक भैया इतना कहना जानते हैं जो भगवान ने देखा वो होना है, पर इसको और भूलना चाहिए भगवान ने ये भी जाना कैसे होना है। जो होना है वो भगवान ने जाना है। भगवान अधूरे नहीं होते हैं, भगवान पूरे होते हैं, भगवान वैज्ञानिक नहीं होते हैं। बालको बेटा सब पढ़े लिखे बच्चे सुनो ध्यान से, भगवान वैज्ञानिक नहीं होते हैं। जो वर्तमान का भूल भौतिक विज्ञान है वो मालूम बेटा क्या बोलता है? मैंने भी पढ़ा, तुमने भी पढ़ा, पढ़ा ना विज्ञान, तो विज्ञान के पुस्तक में लिखा रहता है आओ बच्चे हम सीखें, लिखा होता ना, तो आगे तुम बता बेटा क्या लिखा होता है? आओ बच्चे हम सीखे, ऐसा लिखा होता ना, और भी तो कुछ लिखा होता है। अभी इतना सीखा, आगे और सीखेंगे, ऐसा लिखा होता ना, आओ बच्चे हम सीखे, यानी विज्ञान ये कहता है विज्ञान अपने अंत समय तक अधूरा रहेगा। वो हर समय ये कहता मैंने इतना सीखा आगे और सीखूंगा,
अभी इतनी खोज आगे और खोज अभी अवशेष है। विज्ञान क्या बोलता है, अभी इतना अन्वेषण किया है, आगे और खोज है। वीतराग विज्ञान से अधूरी बातें कभी नहीं करता, वीतराग विज्ञान कभी नहीं कहता है अभी इतना सीखांगे और सीखूंगा। वीतराग विज्ञान कहता है मित्र वस्तु स्वभाव त्रिकालिक, ऐसा था ऐसा ही है ऐसा ही रहेगा। निर्णय निर्णयात्मक दृष्टि से व्याख्यान करता है उसका नाम वीतराग विज्ञान है। उस संशय की जो व्याख्या करता है उसका नाम विज्ञान है। इसलिए प्रमाण विज्ञान नहीं होता, प्रमाण वीतराग विज्ञान होता है। जड़वादी का ज्ञान प्रमाण नहीं है। भौतिक विज्ञान जड़वादी दर्शन है, इनकी पूरी खोज जड़ की खोज है। इनकी पूरी खोज जड़ की खोज है, पूरी ताकत जड़ पर है, इसलिए इसका नाम जड़वादी विज्ञान है। वीतराग विज्ञान चैतन्यवादी विज्ञान है, क्षय द्रव्यों की खोज करने वाला है। इसलिए द्रव्य नहीं कह रहा है, हम भेदों को गौण तो करते हैं, विशेष को गौण करते हैं, पर विशेष का अभाव नहीं करते। वो बालक कहां है जो अपनी मां को बता रहा था, बेटा सुन, आपकी मां जो है ना, सुनना, आपकी मां जो है ना वो बहन है कि नहीं है? आपकी जो मां है ना वो बहन है कि नहीं है? किसकी? ओ, वो बोल रहा हूं बच्चा ज्ञानी है, वो यूं कह रहा मेरी मां बहन है पर मेरी बहन नहीं है, मामा की बहन है। समझ रहे ना? इसी प्रकार से जितने विषय सामान्य हैं वे विशेषों से युक्त हैं, पर सामान्य के व्याख्यान में विशेष को गुण किया जाता है, अभाव नहीं किया जाता। द्रव्य तत्व तत्व द्रव्यो नहीं ना, द्रव्यो नहीं से विषय पकड़ना, तत्व द्रव्यो नहीं ना, द्रव्यो नहीं से पटमात पटवा पटवात्र चित्मान चिन्मात्र पटमात्र चित्तिन चिन्मात्र पटमात्र चिन्मात्र। द्रव्य ने क्या हो रहा है, वस्त्र पंडित साहब वस्त्र क्या बोला, वस्त्र पट मात्र वस्त्र मात्र क्या है, वस्त्र 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 क्या धागा नहीं है, क्या धागे नहीं है, रंग नहीं है, सुगंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण सब उसके अंदर है लेकिन पट मात्र द्रव्य ने क्या किया, धागे धागे को गौण करके अखंड मात्र वस्त्र को ग्रहण किया है। ऐसे द्रव्य नहीं कह रहा है न मैं मनुष्य न मैं देव न मैं नारकी न मैं त्रियंश न मैं निगोदिया न मैं सिद्ध न मैं अरहंत न आचार्य उपाध्य साधु, तो क्या है, चिन्मात्र
द्रव्य चिन्ह मात्र है, और चिन्ह मात्र को जी जानेगा। पंडित जी, पंडित जी, एक एक धागे पर चिंतन करोगे तो वस्त्र का आनंद नहीं ले पाओगे। अखंड अखंड वस्त्र को धारण किए हो, हे मित्र, एक एक धर्म पर नहीं जा रहा है, अनेक धर्मों में से एक अखंड चिन्ह मात्र को स्वीकार किया है। चिन्ह मात्र विशेषों में विरलन है, विशेषों में विरलन है, सामान्य का अखंड है, सामान्य एक अखंड है, सामान्य एक अखंड है, अखंडो हो, अखंडो हो। इसलिए तू आश्रय अखंड का लेगा तो ध्रुव चेतन पिंड टंकोत की ज्ञानिक स्वभाव में लवलीन हो जाएगा। ऋषिराज योगेश्वर विशेषों से विशिष्ट द्रव्य को गौण करके द्रव्य के द्रवित्व को निहारते हैं, और द्रव्य के द्रवित्व को निहार करके एकमात्र चिन्मात्र चेतन निज आत्म द्रव्य को ही निहारते हैं, तब वे शुद्ध उपयोग में लीन होते हैं। बस ज्ञानियों, द्रव्य नय को जान करके अपने अखंड द्रव्य पर दृष्टिपात करो। भेदों को अभाव मत करो, भेदों को गौण करो। ये ध्रुव सत्य बालक यदि माँ को बहन, माँ को पत्नी, माँ को पुत्री इन रूप में देखेगा तो माँ का आनंद नहीं ले सकेगा। उस बच्चे को तो मात्र अपनी माँ ही देखना चाहिए। माँ माँ ही होती है, शेष जिसकी दृष्टि जैसी हो देखे, पर उसकी माँ है। मात्र मात्र बेटे को माँ, मात्र मात्र बेटे को माँ, ऐसे ही मित्र मात्र 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 महात्मा को अपनी आत्मा, मात्र निज परमात्मा। निज परमात्मा माँ ही देखता है, माँ देखता है, इसलिए उसके हाथ का भोजन ले लेता है, जबकि उसकी बेटे की माँ से पूछना अपनी जेठानी की कौन है, उसकी माँ से पूछना जब सासू लड़ती है, सासू से लड़ती है, तो सासू की कौन बनती था, कितने रूप उसके होते हैं। जिसे माँ कह रहा है वो माँ पता नहीं कितने रूप बनाती है, लेकिन बेटे को मात्र माँ। ऐसे ही परम योगेश्वर को आत्मा की किसी विकारी दशा पर दृष्टि नहीं ले जाता, आत्मा की किसी अन्य असमान जाति पर्याय पर दृष्टि नहीं ले जाता है, मात्र एक माँ चिन्ह माँ चैतन्य मात्र को निहारता है। ऐसा योगी समृषि भाव से तो करके वही परमात्म पर्याय को उद्घाटित करता है। जाओ द्रव्य से मात्र में चिन्ह मात्र, द्रव्य से मात्र में चिन्ह मात्र, पट मात्र की भांति चिन्ह मात्र, एक स्वरूप हूं, एक स्वरूप हूं, अखंडो हम, अखंडो हम, अखंडो अखंड स्वरूप हम, अखंड स्वरूप हम। एक क्षण को एक सुर में बोलना जरा, और आंख बंद कर लेना,
अखंड स्वरूपोहम अखंड स्वरूपोहम। मेरा चेतन पंचन मात एक अखंड ध्रुव ज्ञायक स्वभावी है। ओम शांति। आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम प्रभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न है। मित्र अब तुम कहाँ जाओगे? विश्वास ना तो आप सबके चेहरे देख लो, पंडित साहब बदले कि नहीं बदले? सबके चेहरे देखो, बदले कि नहीं बदले? यदि ऐसे आप घर में भी बदल जाओ ना, तो निज घर में चले जाओ। भगवान महावीर स्वामी की नमो रिंताड़म नमो स्थान मुआ रियाड़म नमो छम नमो सौ साहोड़म।